अबू आजमी जी जवाब दीजिए, वक्त के साथ तो बदलना पड़ेगा, और वक्त जब ऐसे संकट काल का है तो फिर बाजार कैसे खुल सकते हैं? ये वर्क साहब ने जो बीते दिन कहा था कि आप कुर्बानी के लिए आप बकरा बाजार खोलिए, ये सब कैसे मुमकिन है सर? लोगों की जिंदगी पर बनाई है। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि महामारी बढ़ती जा रही है हाँ और हम लोगों की लापरवाही जो है भी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल ऐसे में हम लोगों को लॉकडाउन बिल्कुल रखना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, और लोगों को समझाना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ही इसका इलाज है, दूसरा कोई इसका इलाज नहीं है। लोग मरते जा रहे हैं और WHO कह रहा है कि दुनिया की आबादी कम हो जाएगी, लेकिन इसी के साथ साथ मुझे बताइए अंजना जी कि रोजाना अनाज की मार्केट लग रही है और लोग जा रहे हैं उसके अंदर, रोजाना फ्रूट की मार्केट लग रही है, फ्रूट रोजाना ट्रक पर लद लद के सैकड़ों ट्रक आ रहे हैं, रोजाना सब्जी आ रही है मुंबई शहर में रोज आ रही है। इससे हमारा ये कहना है कि बिल्कुल इसका पूरा का पूरा प्रिकॉशन लेते हुए हम लोगों को इस बकरीद में जो लोग 10 बकरे की कुर्बानी करते थे वो लोग 1 बकरे की कुर्बानी करें, कम से कम करें। मुंबई में देखिए, हमारे महाराष्ट्र में 8 लाख बकरे आते थे, 8 लाख बकरों की कीमत अगर पकड़ेंगे ना और बड़े जानवरों की, तो कम से कम 200 से 300 करोड़ रुपया किसानों को मिलता है इसमें। और कौन पालता है ये? कोई बिल्डिंग वाला पालता नहीं, ये सारे के सारे जानवर किसान पालता है, और किसान सोचता है कि अब बकरीद आएगी तो मेरे जानवर बिकेंगे, अब जानवर आप कोई तो खरीदेगा नहीं, तो किसान का बहुत बड़ा नुकसान होगा, समझिए। और सुनिए मेरी बात सुनिए, और सुनिए ये जो गरीबों की बात हो रही है, ये सब लोग कुर्बानी नहीं करते। अगर मस्जिद खुल जाएगी ना तो 100% लोग जाएंगे। मैं इसके खिलाफ हूँ कि मस्जिद बिल्कुल नहीं खुलना चाहिए, मस्जिद खुलेगी तो लॉकडाउन का और सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत बड़ा जो है उसमें प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। लेकिन शफीकुर रहमान तो आप ही की पार्टी के सांसद है ना सर? अरे तो आपके पार्टी के सांसद गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं ना? मैं कह रहा हूँ वो कह रहे हैं सब मिलके नमाज पढ़ेंगे तो कोरोना भाग जाएगा। नहीं, सब मिलके सब अपने अपने घर में नमाज पढ़े जब तक कोरोना है। देखिए, नमाज घर में भी हो सकती है, लेकिन कुर्बानी एक वाजिब चीज है, कुर्बानी करने का परमिशन गवर्नमेंट को देना चाहिए। लेकिन जे अगर बम्बई मुंबई में एक जगह 2.5 लाख बकरे आते थे तो इसे इसे 50 जगह पर छोटे छोटे बाजार, और वहां पर छोटा डिस्टेंस, जिस तरह सब्जी खरीदते हैं, जिस तरह से लोग जाते हैं और सामान खरीदने के लिए फूल खरीदने के लिए, इसी तरह से सरकार बंदोबस्त कर दे और लोग जैसे पहले कुर्बानी करते थे वो अपने 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 सोसाइटी में पर्दा लगा करके सिर्फ 3 से 4 लोग जाएं, जैसे गणपति में कहा गया 4 लोग, इस तरह से जाएं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन भी हो जाए और कुर्बानी भी हो जाए। देखिए सुनिए, और सुनिए 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, थोड़ा लास्ट बोल रहा हूँ मैं। हाँ, पूरी ये कुर्बानी जो होती है, गोश्त हम नहीं खाते, 3 हिस्सा होता है, 1 हिस्सा घर में रहता है, 2 हिस्सा गरीबों को जाता है। आप सोचिए कि 8 लाख यूपी पुलिस यही कह रही है। अबू आजमी साहब, अभी आप चूंकि महाराष्ट्र में रहते हैं लेकिन यूपी के ही हैं, आपको भी पता होगा, यूपी पुलिस कह रही है कि आप खुले में मांस इधर उधर नहीं ले जा सकते हैं, इन सब पर पाबंदी लगा दी गई है। नहीं, ये गलत पाबंदी है। ये क्या तरीका है कि आप मांस ले जा सकते हैं? पूरी दुनिया जैसे चलती है वैसे मेरा देश चलेगा। मांस ले जाने का परमिशन होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए, ये नहीं तो जान बुझ करके ये माइनॉरिटी के साथ ये लोग जो है ऐसी बातें कहते हैं, हमें अलग थलग करना चाहते हैं। मिस्टर भाटिया जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आऊंगी खान साहब आपके पास। देखिए अंजना जी, मैं पहले तो तारीफ करूंगा, इन्होंने कहा कि मस्जिद नहीं खुलनी चाहिए, लेकिन अगर ये अकल अपने ही सांसद पार्टी के जो है उनको भी दे देते, उन्होंने कहा कि हम नमाज पढ़ेंगे तो कोविड जो है खत्म हो जाएगा, तो मैं पूछना चाहता हूं 55 इस्लामिक देश हैं, क्या वहां कोविड का एक भी केस नहीं आया? अंजना जी, नमाज से कोविड के खत्म होने का क्या लेना देना है ये मैं नहीं जानता। और अनाज की मंडियों से कहना कि बकरे की कुर्बानी की तुलना कर दे, ये अपने आप में इनकी संकुचित सोच और किसान विरोधी सोच जताता है। एक बात मैं जरूर कहूंगा, देखिए अंजना, अच्छा, आज के कार्यक्रम में भी आपको सबसे पूछना चाहिए, अबू जी अपनी बारी में बोलिएगा, अबू जी अपनी बारी में बोलिएगा, सच्चाई पर अच्छा नहीं लगता ये, अच्छा नहीं लगता, अपनी बारी में बोलिए ना, क्या राजनीतिक बातें मत किया कीजिए आप, नहीं आप क्यों ना करें, सच्चाई पर आया कीजिए। नहीं तो क्या सफाई महोत्सव में ऋतिक रोशन का डांस देखे? कौन पालता है आप किसान? सफाई महोत्सव में ऋतिक रोशन का डांस देखे मुजफ्फरनगर? जानवर कौन पालता है? जानवर कौन बेचेगा? पैसा किसको मिलेगा? नहीं मैं पूछ रहा हूँ आपसे, सुनिए अंजना जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। अरे तो संगीत सोम जी क्यों बता रहे हैं लोगों को कि आलू खाइए नहीं तो जेल में मनानी पड़ेगी? ये तो धमकी वाली बात है ना? बिल्कुल बिल्कुल नहीं अंजना जी, संगीत सोम जी की भी बात का उत्तर दे दो। संगीत सोम जी का पूरा वक्तव्य देखिए, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि हर कोई कानून से चलेगा और अगर कोई कानून तोड़ेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर कोई
जो रोक लगी हुई है, जो हम सुना रहे हैं, जरा देखिए, प्रदेश सरकार की। अरे देखिए स्क्रीन पर बड़ा बड़ा स्क्रीन है कि नहीं पता नहीं आपके सामने। संगीत सोम विधायक कह रहे हैं कि आपके खाला की सरकार नहीं है, कानून का पालन करें नहीं तो जेल में बकरीद मनानी पड़ेगी जैसा आजम खान मना। ये कोई सामान्य भाषा तो नहीं है। अब उसके आगे पीछे जो जोड़ना है जोड़ लीजिए आप, लेकिन जो बोला है सोम ने लिख डाला है। देखिए अंजना जी, मैं समझता हूं कि बिल्कुल भाषा की मर्यादा रहनी चाहिए, लेकिन अगर आप उनका पूरा बयान देखेंगे और जो मैं बता भी रहा हूं दर्शकों को, उन्होंने एक बात कही है कि कानून का राज है, कानून सबके लिए बराबर है। और मैं उस मुद्दे को आपके कार्यक्रम में उठा भी रहा हूं, देश संविधान से चलेगा या ये लोग जो बार बार आके कहते हैं कि सऊदी में ये हो रहा है, मक्का में नमाज नहीं पढ़ी जा रही है, ये चीज गलत है। हमारे लिए हमारा संविधान सर्वोपरि है और आप भारत के कानून के हिसाब से काम करेंगे, ये नहीं कि मक्का मदीना में नमाज पढ़ी जा रही है कि नहीं है। हमारे देश में जो सरकार कहेगी उसको आपको भी मानना पड़ेगा। गलत बातें क्या है? बर्ग जी का बयान आपको पढ़ देता हूँ। बर्ग जी ने क्या कहा है मैं आपको बताता हूँ। अबू आजमी जी, उन्होंने ये कहा है मुल्क की भलाई के लिए नमाज होनी चाहिए और नमाज पढ़ के हम कहेंगे कोविड खत्म हो जाए और खत्म हो जाएगा। नमाज पढ़ने से अगर आप घर में पढ़ेंगे तो अल्लाह क्या कबूल नहीं करेगा आपकी नमाज? आपकी जिम्मेदारी एक नागरिक होने के नाते कुछ भी नहीं है क्या?